हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, वेलकम बैक अगेन लक्ष्य क्लासेस। टुडे इन दिस लेक्चर आई वुड लाइक टू डिस्कस अबाउट द साइटोस्केलेटन। एज द नेम इंडिकेटेड, साइटो मीन्स सेल एंड स्केलेटन मीन्स स्केलेटन, हिंदी में कहते हैं कंकाल। साइटोस्केलेटन मीन्स skeleton that is found in the cell, as like a bony skeleton is found in the human body, exactly as like the bony skeleton is found in the human body, the skeleton is also found in the cell cytoplasm that provides structural support to the cell and provides shape to the cell. The cytoskeleton is a network of protein filament. It means that cytoskeleton जो होता है वह protein के filament के जाल से मिलकर बना होता है। Arabic can say in other words, द साइटोस्केलेटन इज ए नेटवर्क ऑफ प्रोटीन फिलामेंट। इसका मतलब ये होता है कि जो साइटोस्केलेटन होता है, जो सेल का कंकाल होता है, वह प्रोटीन फिलामेंट्स की जालवत संरचना से मिलकर बना होता है। दैट प्रोवाइड माने प्रदान करता है स्ट्रक्चर माने होता है संरचना, एंड सपोर्ट माने सहारा देना, टू ए सेल माने कोशा को, जो किसी कोशा को संरचना प्रदान करता है और किसी सेल को जो है वो सपोर्ट करता है। सो इट इज वेरी क्लियर दैट साइटोस्केलेटन प्रोवाइड्स स्ट्रक्चर टू द सेल अलोंग विथ सपोर्ट, प्रोवाइड द रिजिडिटी टू द सेल। कुल मिलाकर के यह सेल को एक संरचना प्रदान करता है और सेल को एक सहारा देता है, सपोर्ट करता है। इट इज़ फाउंड इन द साइटोप्लाज्मा ऑफ ऑल सेल इंक्लूडिंग बैक्टीरिया। जो साइटोस्केलेटन होते हैं, इट इज माने यह फाउंड माने पाए जाते हैं साइटोप्लाज्मा ने कोशा द्रव्य में। ये सभी तरह की कोशाओं की कोशा द्रव्य में पाए जाते हैं। इंक्लूडिंग बैक्टीरिया का मतलब है, इंक्लूडिंग माने होता है अंतर्गत, बैक्टीरिया माने होता है जान ही रहे हैं। कुल मिलाकर के इट इज़ फाउंड इन ऑल काइंड ऑफ सेल, आइदर इट इज़ प्रोकैरियोटिक सेल आर इट इज़ यूकैरियोटिक सेल। ये सभी तरह की कोशाओं में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत बैक्टीरिया आते हैं। जस्ट एज आवर स्केलेटन, जैसे हमारा स्केलेटन होता है, जैसे हमारा कंकाल होता है, सपोर्ट आवर बॉडी। जस्ट एज आवर स्केलेटन सपोर्ट आवर बॉडी, द साइटोस्केलेटन सपोर्ट आवर सेल। जैसे कि हमारा कंकाल हमारे शरीर को जो है सहारा देता है, उसी तरह जो साइटोस्केलेटन होता है वो कोशाओं को सपोर्ट करता है, कोशाओं को सहारा देता है। बट अनलाइक आवर बोनी स्केलेटन, द साइटोस्केलेटन इज नॉट स्टैटिक। लेकिन अनलाइक आवर बॉडी स्केलेटन, जैसे कि हमारे बॉडी का जो स्केलेटन है, हमारे शरीर का जो कंकाल है, वो स्थिर होता है, मूविंग नहीं करता है। जब हम हाथ हिलाते हैं तभी मूविंग करेगा, जब पैर हिलाएंगे तभी मूविंग करेगा। लेकिन जो साइटोस्केलेटन होता है नॉट स्टैटिक, साइटोस्केलेटन जो है फिक्स नहीं होता है, बट इज कॉन्स्टेंटली बींग रीऑर्गेनाइज्ड अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द सेल। साइटोस्केलेटन जो होता है वो कोशाओं की आवश्यकता के अनुसार साइटोस्केलेटन का पुनर्गठन होता रहता है, रीऑर्गेनाइजेशन होता रहता है। इट मीन्स दैट ड्यूरिंग सेल मूवमेंट एंड सेल डिवीजन, कोशा के गमन के समय और कोशा के विभाजन के समय जो साइटोस्केलेटन होते हैं, जो कोशा के कंकाल होते हैं, उनका पुनर्गठन होता रहता है और उनका रीअरेंजमेंट होता रहता है, उनकी पुनर्व्यवस्था होती रहती है। द आइडिया ऑफ साइटोस्केलेटन वॉज फर्स्ट प्रपोज्ड बाई निकोली के कालिस्टोब। साइटोस्केलेटन के बारे में जो विचार था वो सबसे पहले प्रपोज किया था, सबसे पहले प्रस्तावित किया था, दो वैज्ञानिक थे, सबसे पहले प्रस्तावित किए थे
निकोली की काटसावनी, यहाँ भी साइलेंट रहेगा, काटसावनी। द टर्म साइटोस्केलेटन प्रोवाइड द स्ट्रक्चरल सपोर्ट, जो टर्म साइटोस्केलेटन है, द टर्म साइटोस्केलेटन प्रोवाइड द स्ट्रक्चरल सपोर्ट, जो शब्द साइटोस्केलेटन है, प्रोवाइड माने प्रदान करता है, स्ट्रक्चरल माने संरचनात्मक, सपोर्ट माने सहारा, कीप ऑर्गेनली इन दियर पोजिशन, ये फंक्शन समझ लीजिए एक तरह से साइटोस्केलेटन का है। जो शब्द साइटोस्केलेटन है वह कोशा को संरचना स्ट्रक्चरल सपोर्ट करता है, संरचनात्मक सहारा देता है, कीप ऑर्गेनली इन दियर पोजिशन, सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनलीज होते हैं, सेल के अंदर जितने भी कोशिकांग होती हैं, उनको उनकी यथास्थिति बनाए रखने में मदद करता है, एंड हेल्प इन द सेल मूवमेंट, और कोशा के गमन में मदद करता है। नेक्स्ट है मेन कंपोनेंट ऑफ साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन के जो मेन कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन हैं? नाउ लेट अस बी मूव फॉरवर्ड एंड वी विल डिस्कस अबाउट द मेन कंपोनेंट ऑफ साइटोस्केलेटन। देर आर थ्री मेन कंपोनेंट ऑफ साइटोस्केलेटन दीज आर। देर आर माने वहाँ पर, थ्री मेन कंपोनेंट ऑफ साइटोस्केलेटन, वहाँ पर साइटोस्केलेटन के तीन मुख्य घटक होते हैं। तीनों मुख्य घटक का वर्णन दिया जा रहा है। फर्स्ट है माइक्रोटिब्यूल्स, सेकंड है माइक्रोफिलामेंट्स, थर्ड है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। सो देर आर थ्री मेन कंपोनेंट दैट कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ साइटोस्केलेटन। वी हैव टू डिस्कस वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट द माइक्रोटिब्यूल्स। अब हम सबसे पहले माइक्रोटिब्यूल्स के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट आई वुड लाइक टू डिस्कस अबाउट द माइक्रोटिब्यूल्स, दैट इज द फर्स्ट कंपोनेंट दैट कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ साइटोस्केलेटन। माइक्रोटिब्यूल्स, जहां तक माइक्रोटिब्यूल का क्वेश्चन है, अब हम सबसे पहले फर्स्ट कंपोनेंट जिसका नाम माइक्रोटिब्यूल है उसके बारे में बात करेंगे। माइक्रोटिब्यूल्स क्या होती हैं? बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत कम सारे कंपटीशंस में पूछा जाता है, ठीक है। माइक्रोटिब्यूल्स आर हालो, जितने भी माइक्रोटिब्यूल्स होते हैं वो हालो होते हैं। हालो माने खोखले, स्मूथ माने चिकने, अनब्रांच माने होता है बिना शाखा की, टिब्यूल माने नलिकाएँ होती हैं। जितने भी माइक्रोटिब्यूल्स होते हैं वो खोखले होते हैं, चिकने होते हैं और बिना शाखित नलिकाएँ होती हैं। दे आर पॉलीमर ऑफ ट्यूबुलिन, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी माइक्रोटिब्यूल्स होते हैं दे आर पॉलीमर ऑफ ट्यूबुलिन। जितने भी माइक्रोटिब्यूल्स होते हैं वो ट्यूबुलिन के पॉलीमर होते हैं। ट्यूबुलिन इज ए काइंड ऑफ प्रोटीन एंड हैव एन एवरेज आउटर डायमीटर ऑफ 25 नैनोमीटर। और माइक्रोटिब्यूल जो होते हैं उनका जो औसत डायमीटर होता है वो 25 नैनोमीटर होता है एंड एन एवरेज इनर डायमीटर ऑफ 13 नैनोमीटर। और उनका जो औसत आंतरिक डायमीटर होता है वो 13 नैनोमीटर होता है। माइक्रोटिब्यूल्स आर सो नेम्ड, इसीलिए इनका नाम माइक्रोटिब्यूल्स रखा गया, बिकॉज दे आर माइक्रोस्कोपिक, क्योंकि वह सूक्ष्मदर्शी होती हैं, हालो होती हैं, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं, नलिकाकार संरचनाएँ होती हैं। Besides forming a part of the cytoskeleton, इसका ये मतलब होता है beside माने बजाय, forming माने बनाना, a part of the cytoskeleton, cytoskeleton का एक हिस्सा बनाने के बजाय, इन several cell माने विभिन्न कोशाओं में, they are also found, कहने का मतलब होता है microtubules जो होती हैं cytoskeleton का एक हिस्सा बनाने की बजाय, मतलब एक हिस्सा तो बनाती ही हैं, इसके अलावा दे आर आल्सो फाउंड, इसके अलावा जो माइक्रोटिब्यूल्स होती हैं वो कहाँ कहाँ पाई जाती हैं? दे आर आल्सो फाउंड इन, दे आर आल्सो फाउंड इन सीलिया, इसके अलावा सीलिया में पाई जाती हैं। दे आर फाउंड इन द फ्लैजला, फ्लैजला में पाई जाती हैं, बेसल बॉडीज में पाई जाती हैं और सेंट्रियोल में पाई जाती हैं।
सी, इन सभी में पाई जाती हैं इत्यादि। अब हम बात करेंगे माइक्रोट्यूब्यूल्स के अकरेंस की। नाउ आई वुड लाइक टू डिस्कस अबाउट द अकरेंस ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स विथ रेयर एक्सेप्शन। अकरेंस माने होता है प्राप्ति स्थान। माइक्रोट्यूब्यूल्स पाए कहाँ जाते हैं? विथ रेयर एक्सेप्शन का मतलब होता है बहुत रेयर माने बहुत कम, एक्सेप्शन माने अपवाद, बहुत कम अपवादों को छोड़ दिया जाए। सच एज माने होता है ह्यूमन एथोसाइट, बहुत कम अपवादों को छोड़ दिया जाए। जैसे ह्यूमन एरिथ्रोसाइट है, एरिथ्रोसाइट का मतलब आरबीसी, जैसे मनुष्य की जो आरबीसी होती है, इसके अलावा जितने भी माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं आर फाउंड इन ऑल यूकैरियोटिक सेल। जितने भी माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वे सभी के सभी सभी प्रकार के यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं, आइदर फ्री इन द साइटोप्लाज्म, आइदर फ्री इन द साइटोप्लाज्म का मतलब होता है या तो वे कोषाद्रव्य में स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं, ORR, फार्मिंग पार्ट ऑफ सेंट्रियोल, अथवा वह सेंट्रियोल का हिस्सा बनाते हैं, सीलिया का हिस्सा बनाते हैं, अथवा वह फ्लैजला का हिस्सा बनाते हैं। हाई डेंसिटीज ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल एग्जिट इन द एग्जान एंड डेंड्राइट्स ऑफ नर्व सेल। हाई डेंसिटीज का मतलब होता है बहुत ज़्यादा घनत्व वाले जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो एग्जिस्ट माने होता है उभरते हैं, निकलते हैं या पाए जाते हैं। कुल मिलाकर के ज़्यादा घनत्व वाले जितने भी माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वह नर्व सेल की एग्जान में और नर्व सेल के डेंड्राइट्स में पाए जाते हैं। इन द साइटोप्लाज्म ऑफ एनिमल एंड प्लांट सेल, जो एनिमल सेल होती है और जितने भी एनिमल सेल और प्लांट सेल होते हैं उनके साइटोप्लाज्म में, उनके कोषाद्रव्य में जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, अकर साइड द फॉलोइंग साइट। अकर समाने पाए जाते हैं, फॉलोइंग साइट माने होता है निम्न किनारे पर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऑल काइंड ऑफ एनिमल एंड प्लांट सेल दे हैव कॉन्टेनिंग दियर माइक्रोट्यूब्यूल्स एट द फॉलोइंग साइट। सीलिया और फ्लैजेला में पाए जाते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, सेंट्रियोल और बेसल बॉडीज में पाए जाते हैं, नर्व प्रोसेसिंग में पाए जाते हैं, माइटोटिक अपरेटस में पाए जाते हैं, कार्टिक्स ऑफ मेरिस्टमेटिक प्लांट सेल ETC, इन सभी में जो है माइक्रोट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। अब आगे बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स की बात करते हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रोट्यूब्यूल्स आर मेडअप ऑफ अल्फा ट्यूबुलिन। जितने भी माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वह अल्फा ट्यूबुलिन से बने होते हैं एंड बीटा ट्यूबुलिन से बने होते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स आर मेडअप ऑफ अल्फा ट्यूबुलिन। ऑल द माइक्रोट्यूब्यूल्स आर मेडअप ऑफ अल्फा ट्यूबुलिन। जितने भी माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं अल्फा ट्यूबुलिन से बने होते हैं एंड बीटा ट्यूबुलिन से बने होते हैं। मैंने पहले ही बताया था कि माइक्रोट्यूब्यूल्स आर मेडअप ऑफ ट्यूबुलिन एंड ट्यूबुलिन आर ऑफ टू टाइप। फर्स्ट वन इज द अल्फा ट्यूबुलिन एंड सेकेंड वन इज द बीटा ट्यूबुलिन। तो जितने भी माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो दो तरह के ट्यूबुलिन से बने होते हैं, अल्फा ट्यूबुलिन और बीटा ट्यूबुलिन, सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं। अल्फा ट्यूबुलिन एंड बीटा ट्यूबुलिन सब यूनिट फॉर्म द हेट्रोडाइमर। अल्फा ट्यूबुलिन और बीटा ट्यूबुलिन आपस में ज्वाइन कर लेते हैं और बना लेते हैं हेट्रोडाइमर। GTP, जिनको हम कहते हैं ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, इज नीड फॉर दियर असेंबली। GTP की आवश्यकता पड़ती है जब अल्फा ट्यूबुलिन बीटा ट्यूबुलिन से जुड़ते हैं। तो एट दैट टाइम व्हेन अल्फा ट्यूबुलिन बाइंड्स विद द बीटा ट्यूबुलिन, देन एट दैट टाइम GTP इज नीडेड फॉर दियर असेंबली एंड फॉर्मिंग द हेट्रोडाइमर। जब अल्फा ट्यूबुलिन बीटा ट्यूबुलिन से जुड़ती है और हेट्रोडाइमर बनाती है तो समय GTP की आवश्यकता पड़ती है। हेट्रोडाइमर GTP इज नीडेड फॉर दियर असेंबली। द ट्यूबुलिन हेट्रोडाइमर असेंबल टू फॉर्म ए प्रोटोफिलामेंट। और इस तरह से जो ट्यूबुलिन होती है, अल्फा ट्यूबुलिन और बीटा ट्यूबुलिन आपस में जुड़ करके हेट्रोडाइमर बनाती है और ये लगातार आपस में जुड़ते रहते हैं और ट्यूबुलिन और बीटा ट्यूबुलिन और असेंबल हो जाते हैं और इकट्ठा करके बना लेते हैं प्रोटोफिलामेंट। थर्टीन सच प्रोटोफिलामेंट्स आर अरेंज्ड अराउंड द सेंट्रल ल्यूमेन ऑफ टू फॉर्म ए माइक्रोट्यूब्यूल। इस तरह के 13 सच प्रोटोफिलामेंट, इस तरह के 13 इस प्रकार के जो प्रोटोफिलामेंट्स होते हैं केंद्रीय ल्यूमेन, सेंट्रल ल्यूमेन के किनारे किनारे। ल्यूमेन में होता है इंटरनल कैविटी, हालो कैविटी, गुहा। इस तरह से 13 इस प्रकार के जो प्रोटोफिलामेंट्स होते हैं
वही माइक्रोटिब्यूल की सेंट्रल कैविटी माइक्रोटिब्यूल के गुहा के चारों तरफ जो होते हैं व्यवस्थित हो जाते हैं। द माइक्रोटिब्यूल हैज एन आउटर डायमीटर ऑफ 25 नैनोमीटर। जो माइक्रोटिब्यूल्स होते हैं उनके बाहर का जो डायमीटर होता है वो लगभग 25 नैनोमीटर होता है। वाल थिकनेस ऑफ 5 नैनोमीटर, जिनकी वाल की जो लंबाई मोटाई होती है 5 नैनोमीटर होती है। एंड एन एवरेज इनर डायमीटर ऑफ 13 नैनोमीटर, और उनका अंदर का जो औसत डायमीटर होता है वो 13 नैनोमीटर होता है। ईच माइक्रोट्यूब्यूल हैज माइनस एंड एंड प्लस एंड। जितने भी माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं उनमें दो एंड पाए जाते हैं, एक को कहते हैं माइनस एंड और दूसरे को कहते हैं प्लस एंड। द प्लस एंड इज टर्मिनेटेड बाई ए रो ऑफ बीटा सब यूनिट। जो प्लस एंड होता है वो ख़त्म होता है कहाँ पर? प्लस एंड इज टर्मिनेटेड, टर्मिनेटेड माने समाप्त होना, ख़त्म होना। प्लस एंड वहाँ पर ख़त्म होता है जहाँ पर बीटा सब यूनिट की पंक्ति पाई जाती है। एंड माइनस एंड इज टर्मिनेटेड बाई ए रो ऑफ अल्फा ट्यूबिनेट सब यूनिट, और माइनस एंड यानी निगेटिव एंड वहाँ पर ख़त्म होती है जहाँ पर अल्फा ट्यूबुलिन, अल्फा सब यूनिट की ट्यूबुलिन की पंक्ति पाई जाती है। द प्लस एंड इज सो नेम्ड, इसका प्लस एंड नाम इसलिए रखा गया है बिकॉज न्यू सब यूनिट एडेड। प्लस एंड इसलिए रखा गया है क्योंकि यहाँ पर नई नई सब यूनिट जुड़ती रहती हैं एडेड एट ए फास्टर रेट। क्योंकि इसका इसके जो प्लस एंड इसलिए रखे गए हैं प्लस एंड, द प्लस एंड सो नेम्ड, प्लस एंड इसलिए रखा गया है बिकॉज न्यू सब यूनिट एडेड, क्योंकि नई नई सब यूनिट जुड़ती रहती हैं एट ए फास्टर रेट का मतलब होता है बहुत तेज़ी से। एंड टू फॉर्म टू द प्लस एंड, प्लस एंड पर माइक्रोटिब्यूल्स एसोसिएटेड प्रोटीन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। माइक्रोटिब्यूल एसोसिएटेड प्रोटीन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द असेंबली एंड डिसेंबली ऑफ माइक्रोटिब्यूल। माइक्रोटिब्यूल एसोसिएटेड जो प्रोटीन होती हैं उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है असेंबली माने जुड़ने में, एंड डिसेंबली ऑफ माइक्रोटिब्यूल का मतलब होता है माइक्रोटिब्यूल्स को अलग करने में। माइक्रोटिब्यूल एसोसिएटेड प्रोटीन, नाउ लेट अस बी मूव फॉरवर्ड। माइक्रोटिब्यूल एसोसिएटेड प्रोटीन जो होती हैं, कुल मिलाकर के माइक्रोटिब्यूल से जुड़ी हुई जो भी प्रोटीन्स होती हैं प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है इन द असेंबली माने होता है जोड़ने में, एंड डिसेंबली ऑफ माइक्रोटिब्यूल। माइक्रोटिब्यूल एसोसिएटेड प्रोटीन का मतलब होता है ऐसी प्रोटीन जो माइक्रोटिब्यूल से जुड़ी होती हैं उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका माइक्रोटिब्यूल्स के जोड़ने में और माइक्रोटिब्यूल्स के अलग करने में होती है। आगे है डायग्राम, आप देख रहे हैं पूरा, ऊपर देखिए ये बीटा ट्यूबुलिन है, बीच में कैविटी है इसको कहते हैं सेंट्रल कैविटी, इसे कहते हैं ल्यूमेन, इसे कहते हैं ल्यूमेन। माइक्रोट्यूब्यूल का ये ल्यूमेन है, इसको ल्यूमेन लिख भी सकते हैं, वी कैन से दिट इज ल्यूमेन ऑफ, इट इज ल्यूमेन। ल्यूमेन का मतलब होता है इंटरनल कैविटी। किसका ल्यूमेन है ये? इट इज द ल्यूमेन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है। और इस ल्यूमेन को देखिए चारों तरफ, देखिए पहले पहली जो ट्यूबुलिन है बीटा ट्यूबुलिन है, बीटा ट्यूबुलिन देखिए एक हेलिक्स बीटा ट्यूबुल का है, बीटा ट्यूबुलिन का है, दूसरा हेलिक्स अल्फा ट्यूबुलिन का, फिर बीटा ट्यूबुलिन, फिर अल्फा ट्यूबुलिन, फिर बीटा, फिर अल्फा, बीटा अल्फा, बीटा अल्फा, बीटा अल्फा, इस तरह के सारे आपस में जुड़ करके बना लेते हैं प्रोटोफिलामेंट सीधा सीधा, सब आपस में यूनाइट करके बना लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोटिब्यूल। ऑल ऑफ जॉइन टुगेदर एंड फॉर्मिंग द माइक्रोटिब्यूल। आगे बात करते हैं, नाउ लेट अस बी मूव फॉरवर्ड। आप जैसे मान लीजिए अल्फा ट्यूबुलिन मोनोमेरिक होती है, अल्फा ट्यूबुलिन दे आर मोनोमेरिक, मोनोमेरिक अल्फा ट्यूबुलिन, फिर मोनोमेरिक बीटा ट्यूबुलिन। तो मोनोमेरिक अल्फा ट्यूबुलिन एंड मोनोमेरिक बीटा ट्यूबुलिन बोथ आर जॉइन टुगेदर एंड फॉर्मिंग द हेटरोडाइमर। अल्फा एंड बीटा हेटरोडाइमर्स अरेंज देमसेल्फ इन हेड टू टेल मैनर। अल्फा और बीटा जितने भी हेटरोडाइमर्स होते हैं अरेंज माने व्यवस्थित होते हैं, देमसेल्फ माने स्वयं, इन हेड टू टेल मैनर का मतलब होता है हेड से टेल मैनर में व्यवस्थित होते हैं, एंड फॉर्मिंग ए प्रोटोफिलामेंट्स, और इस तरह से आपस में जुड़ करके प्रोटोफिलामेंट्स बना लेते हैं। अल्फा और बीटा हेटरोडाइमर जो होते हैं
अल्फा और बीटा हेटरोडाइमर जो कि अल्फा और बीटा ट्यूबुलिन से मिलकर बने होते हैं, दे हैव अरेंज हेड टू टेल एंड फॉर्मिंग ए प्रोटोफिलामेंट्स। अंडर दिस सेक्शन वी कैन ऑब्जर्व दैट दिस इज द अल्फा हेटरोडाइमर एंड दिस इज द बीटा हेटरोडाइमर। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द अल्फा हेटरोडाइमर एंड बीटा हेटरोडाइमर, बोथ आर जॉइंट टूगेदर विथ ईच अदर एंड फॉर्मिंग द प्रोटोफिलामेंट्स। बीटा हेटरोडाइमर, अल्फा हेटरोडाइमर, बीटा हेटरोडाइमर, अल्फा हेटरोडाइमर, बीटा ट्यूबुलिन, अल्फा ट्यूबुलिन, बीटा ट्यूबुलिन, अल्फा ट्यूबुलिन, बीटा ट्यूबुलिन एंड अल्फा ट्यूबुलिन। सो बोथ ट्यूबुलिन बीटा एंड अल्फा दे आर असेंबल टूगेदर, दे आर ज्वाइनिंग टूगेदर। बीटा एंड अल्फा, फर्स्ट बीटा एंड अल्फा दे आर ज्वाइन टूगेदर एंड फॉर्मिंग द हेटरोडाइमर एंड ऑल द हेटरोडाइमर दे आर असेंबल्ड टूगेदर एंड फॉर्मिंग द प्रोटोफिलामेंट। पहले बीटा और अल्फा आपस में जुड़ करके हेटरोडाइमर बनाते हैं, फिर बीटा और अल्फा हेटरोडाइमर आपस में बहुत सारे बीटा और अल्फा हेटरोडाइमर एक दूसरे से जुड़ करके बना लेते हैं प्रोटोफिलामेंट्स। 13 प्रोटोफिलामेंट्स कंबाइन टू फॉर्म द माइक्रोट्यूब्यूल। इस तरह से 13, ये तो एक प्रोटोफिलामेंट बना है, इसी तरह से 13 प्रोटोफिलामेंट आपस में कंबाइन करके माइक्रोट्यूब्यूल बनाते हैं। नाउ लेट अस बी मूव फॉरवर्ड। देखिए यहाँ डायग्राम में दिखाया गया है, आप देख सकते हैं सबसे पहले बीटा ट्यूबुलिन और अल्फा ट्यूबुलिन। फर्स्ट ऑफ ऑल बीटा ट्यूबुलिन एंड अल्फा ट्यूबुलिन, बीटा एंड अल्फा ट्यूबुलिन दे आर ज्वाइन टूगेदर विथ ईच अदर ड्यू टू जीटीपी ड्यू टू द गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट एंड फॉर्म द हेटरोडाइमर। सबसे पहले बीटा ट्यूबुलिन और अल्फा ट्यूबुलिन दोनों आपस में जुड़ जाते हैं और बना लेते हैं हेटरोडाइमर। ये हमेशा याद रखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल बोथ द बीटा एंड अल्फा ट्यूबुलिन दे आर ज्वाइन टूगेदर विद द हेल्प ऑफ द जीटीपी एंड फॉर्मिंग द हेटरोडाइमर। दिस इज द हेटरोडाइमर एंड अगेन फिर क्या होगा, ये बीटा और अल्फा ट्यूबुलिन जो कि हेटरोडाइमर बनाते हैं, बीटा अल्फा, बीटा अल्फा, बीटा अल्फा, इस तरह से बहुत सारे हेटरोडाइमर आपस में असेंबल्ड हो जाते हैं और फार्मिंग करते हैं प्रोटोफिलामेंट्स। इसमें ये प्लस एंड है, फास्ट ग्रोइंग होता है, ये निगेटिव एंड है, स्लो ग्रोइंग होता है। मैंने पहले बता दिया था फास्ट ग्रोइंग एंड जो होता है वो बीटा ट्यूबुलिन होते हैं के पास होती है और स्लो ग्रोइंग जो होती है वो अल्फा ट्यूबुलिन के पास। अब इस तरह से 13 प्रोटोफिलामेंट आपस में जुड़ लेंगे, जुड़ जाएंगे और बना लेंगे माइक्रोट्यूब्यूल। अब देखिए ये पूरा का पूरा माइक्रोट्यूब्यूल बन गया, 13 प्रोटोफिलामेंट्स कंबाइन टूगेदर एंड फॉर्मिंग द माइक्रोट्यूब्यूल। इस तरह से 13 प्रोटोफिलामेंट आपस में जुड़ते हैं और बना लेते हैं एक स्ट्रक्चर, इसका नाम है माइक्रोट्यूब्यूल। ये प्रोटोफिलामेंट बना था, ये सिंगल जो आप देख रहे हैं ये प्रोटोफिलामेंट है। इसी तरह के 13 प्रोटोफिलामेंट्स दे आर ज्वाइन टूगेदर एंड फॉर्मिंग द माइक्रोट्यूब्यूल। 13 प्रोटोफिलामेंट्स कंबाइन टूगेदर एंड फॉर्मिंग द माइक्रोट्यूब्यूल। पूरा माइक्रोट्यूब्यूल है, ये ल्यूमेन है, इसको हम इंटरनल कैविटी कहते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स का। ये जो लाइन्स है ये सब प्रोटोफिलामेंट्स हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से 13 मिलकर के बना लेते हैं। ये प्लस एंड है और ये निगेटिव एंड है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल। नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड। माइक्रोट्यूब्यूल्स दे आर हालू, जितने भी माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं हालू होते हैं, खोखले होते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं हालू होते हैं, खोखले होते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का मतलब होता है नलिका जैसी संरचनाएं होती हैं। दे हैज इंपॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ सेल। माइक्रोट्यूब्यूल्स की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका जो होती है डिटरमाइनिंग माने निर्धारण करने में स्ट्रक्चर ऑफ सेल। माइक्रोट्यूब्यूल्स की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका कोशाओं की संरचना के निर्धारण में होती है। कुल मिला के कहने का तात्पर्य है कोशा की संरचना कैसी होगी यह ज़्यादातर निर्भर करता है माइक्रोट्यूब्यूल पर, सेल की मोबिलिटी पर, सेल के गमन पर और सेल के डिवीजन में। डिसेंबली ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल कैन बी ट्रिगर्ड बाई लो टेम्परेचर। अभी जैसे प्रोटोफिलामेंट्स अलग हो जाएं तो माइक्रोट्यूब्यूल जो है डिसेंबल्ड हो जाएगा, तितर बितर हो जाएगा, बिखर जाएगा, टूट जाएगा।
तो जो डिसेंबली होती है माइक्रोटिब्यूल्स की, क्योंकि प्रोटोफिलामेंट मिलकर के माइक्रोटिब्यूल बनाते हैं, अगर सारे प्रोटोफिलामेंट अलग हो गए तो डिसेंबली हो जाएगी। जो डिसेंबली होती है माइक्रोटिब्यूल्स की, उसको प्रेरित किया जा सकता है, उसको बढ़ाया जा सकता है किसके द्वारा, अगर तापमान कम कर दिया जाए, हाई प्रेशर दे दिया जाए, कैल्शियम आयन को इंक्रीज कर दिया जाए। और इसके अलावा जो कि केमिकल होता है कोलिसिचिन को अगर ऐड कर दिया जाए, तो ये सारे कंडीशन अगर हो जाएंगी, टेम्परेचर लो हो जाए, प्रेशर ज़्यादा हो जाए, कैल्शियम आयन का जब बढ़ जाए, कोलिसिचिन ट्रीटमेंट दे दिया जाए जो कि एक केमिकल है, तो जितने भी प्रोटोफिलामेंट्स होते हैं वो सेपरेट हो जाएंगे, जो माइक्रोटिब्यूल फार्मेशन है वो रुक जाएगा, यानी जो माइक्रोटिब्यूल बन रहे हैं, जो असेंबल हो रहे हैं, जितने भी प्रोटोफिलामेंट्स असेंबल होकर के माइक्रोटिब्यूल बना रहे हैं, वो डिसेंबल हो जाएंगे। आगे है डायनेमिक इनस्टेबिलिटी ऑफ माइक्रोटिब्यूल देन फंक्शन ऑफ माइक्रोटिब्यूल। डायनेमिक इनस्टेबिलिटी ऑफ ट्यूबुलिन, डायनेमिक इनस्टेबिलिटी का मतलब होता है, एक होता है स्टेबिलिटी माने स्थिरता, इनस्टेबिलिटी का मतलब होता है अस्थिरता। डायनेमिक माने गतिशील। ट्यूबुलिन हेट्रोडाइमर्स आर स्टेबिलाइज बाय द बाइंडिंग ऑफ जीटीपी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ट्यूबुलिन हेट्रोडाइमर्स, मैंने पहले बताया था कि दो तरह के ट्यूबुलिन होते हैं, बीटा ट्यूबुलिन और अल्फा ट्यूबुलिन। बीटा ट्यूबुलिन और अल्फा ट्यूबुलिन आपस में जुड़ेंगे, हेट्रोडाइमर बनाएंगे और स्टेबिलाइज तभी रहेंगे जब वहाँ जीटीपी रहेगी। ट्यूबुलिन हेट्रोडाइमर्स आर स्टेबिलाइज्ड बाय द बाइंडिंग ऑफ जीटीपी। ट्यूबुलिन हेट्रोडाइमर्स तभी स्टेबल होंगे, तभी स्थिर होंगे जब हेट्रोडाइमर से जीटीपी बाइंड करेगी। व्हेन जीटीपी हाइड्रोलाइट, कभी कभी क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। ट्यूबुलिन हेट्रोडाइमर तभी स्थिर होंगे, यानी बीटा सब ट्यूबुलिन अल्फा ट्यूबुलिन से जुड़ करके हेट्रोडाइमर तभी बनाएगी, हेट्रोडाइमर बना के स्थिर तभी रहेगी जब उससे जो है जीटीपी जुड़ेगा। कभी कभी जीटीपी हाइड्रोलाइज हो जाती है जीडीपी में और फास्फेट अलग हो जाता है। देन एट दैट टाइम द शेप ऑफ द सब यूनिट चेंज, ऐसी कंडीशन में जो सब यूनिट का आकार होता है, वो आकृति होती है, वो बदल जाती है, एंड दे फॉल अपार्ट, और वो अलग अलग होकर के गिरने लगते हैं। इफ द न्यू सब यूनिट विद जीटीपी आर बीइंग एडेड, अगर कोई नई सब यूनिट उस समय जीटीपी से जुड़ती भी है टू द माइक्रोटिब्यूल, इट रिमेन इन द लो स्ट्रेस स्टेबल कन्फर्मेशन। अगर कोई नई सब यूनिट उस समय जीटीपी से ऐड भी होती है माइक्रोटिब्यूल के अंदर, तो वो क्या होता है, इट माने यह रिमेन माने पड़े रहना, तो वह पड़ी रहती है लो स्ट्रेस स्टेबल कन्फर्मेशन, तो उस समय वह निम्न दबाव के और निम्न कुल मिलाकर के वहाँ पर उसका दाब कम होगा और उसका जो कन्फर्मेशन होगा, जो इसकी स्टेबिलिटी होगी बहुत कम होगी, लो होगी, ठीक है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ माइक्रोटिब्यूल इज कॉल्ड डायनेमिक इनस्टेबिलिटी। माइक्रोटिब्यूल की इसी गुण को कहते हैं, माइक्रोटिब्यूल की गतिशीलता, डायनेमिक माने गतिशील, इनस्टेबिलिटी माने अस्थिरता। कुल मिलाकर के जो माइक्रोटिब्यूल होते हैं उनकी जो गतिशीलता होती है वो अस्थिर होती है, यानी माइक्रोटिब्यूल बनने की जो क्रिया होती है वो स्टेबल नहीं होती है, वो इनस्टेबल होती है। माइक्रोटिब्यूल जिस रेशियो में बनते हैं उसी रेशियो में डिसेंबल भी होते हैं। और लास्ट में है फंक्शन ऑफ माइक्रोटिब्यूल, फिर एक कंप्लीट हो जाएगा। माइक्रोटिब्यूल्स के बहुत सारे काम होते हैं, देर आर सो मेनी फंक्शन ऑफ माइक्रोटिब्यूल्स। फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, माइक्रोटिब्यूल्स प्रोवाइड द स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द सेल। माइक्रोटिब्यूल्स जो होता है कोशा को जो है स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है। माइक्रोटिब्यूल्स जो होता है कोशा को संरचनात्मक सहारा देता है। माइक्रोटिब्यूल्स सपोर्ट इलांगेटेड स्ट्रक्चर। माइक्रोटिब्यूल्स जो होते हैं कोशा को जो है फैलने वाली संरचना प्रदान करते हैं, जैसे सीलिया है, फ्लैजेला है और नर्व सेल की एग्जान है, इन सब के बनने में मदद करते हैं। नेक्स्ट है माइक्रोटिब्यूल्स कीप द गॉल्जी अपरेटस इन इट्स। माइक्रोटिब्यूल कीप द गॉल्जी अपरेटस इन इट्स प्लेस टू द सेल। जो माइक्रोटिब्यूल होते हैं कीप माने रखते हैं गॉल्जी अपरेटस को, इन इट्स प्लेस माने उनके स्थान पर, इन टू द सेल माने कोशा के अंदर। इनका कहने का मतलब है होता है जो माइक्रोटिब्यूल्स होते हैं वह कोशा के अंदर गॉल्जी अपरेटस को, गॉल्जी कॉम्प्लेक्स को उनकी अपने सही स्थिति में रखते हैं, यानी उनको कहाँ पर गॉल्जी अपरेटस पाई जाएगी सेल में, किस पोजीशन पर पाई जाएगी,
उसको उस एग्जैक्ट पोजीशन में रखने में मदद करते हैं। ड्यूरिंग सेल डिवीजन, कोशा विभाजन के समय माइक्रोट्यूबुल जनरेट द फोर्स। कोशा विभाजन के समय जो माइक्रोट्यूबुल्स होते हैं वे बल उत्पन्न करते हैं, दैट इज नेसेसरी फॉर मूविंग द क्रोमोसोम, जो कि क्रोमोसोम के गमन के लिए आवश्यक होती है। सेंट्रियोल बेसल बॉडीज सीलिया एंड फ्लैजेला आर सपोर्टेड बाई माइक्रोट्यूबुल। सेल के अंदर जो सेंट्रियोल पाए जाते हैं, बेसल बॉडीज पाई जाती हैं, सीलिया पाई जाती हैं, फ्लैजेला पाए जाते हैं, इन सबको सहारा कौन देती है? माइक्रोट्यूबुल। या दूसरे शब्दों में कहेंगे कि माइक्रोट्यूबुल्स के द्वारा ये सब उत्पन्न होते हैं, इनको सपोर्ट मिलता है। द मूवमेंट ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला इज ड्यू टू द माइक्रोट्यूबुल एसोसिएटेड डायनिन प्रोटीन। सीलिया और फ्लैजेला के अंदर जो गमनशीलता पाई जाती है, सीलिया और फ्लैजेला के अंदर गमनशीलता पाई जाती है, चूँकि सीलिया और फ्लैजेला जो है गमनशील होते हैं, तो सीलिया और फ्लैजेला के अंदर जो गमनशीलता होती है वो माइक्रोट्यूबुल से जुड़ी हुई डायनिन प्रोटीन के कारण होती है। काइनेसिन एंड डायनिन आर स्मॉल माइक्रोट्यूबुल। काइनेसिन और डायनिन जो होती हैं एक छोटे माइक्रोट्यूबुल होते हैं। काइनेसिन एंड डायनिन आर स्मॉल माइक्रोट्यूबुल एसोसिएटेड मोटर प्रोटीन। काइनेसिन और डायनेसिन जो होते हैं एक छोटे से माइक्रोट्यूबुल से जुड़े हुए मुख्य प्रोटीन होती हैं, दैट माने जो कि ट्रांसपोर्ट माने मदद करती हैं, किसको, जो कि ट्रांसपोर्ट में मदद करती हैं, परिगमन में मदद करती हैं। कुल मिलाकर ऐसे समझिए काइनेसिन और डायनिन क्या होते हैं, एक स्मॉल माइक्रोट्यूबुल एसोसिएटेड मुख्य प्रोटीन होती है जो कि माइटोकांड्रिया लाइसोसोम वेसिकल इन सब के ट्रांसपोर्ट में मदद करती हैं, इन सब के गमन में मदद करती हैं। कहाँ से? फ्रॉम द गॉल्जी कॉम्प्लेक्स से, गॉल्जी कॉम्प्लेक्स से टू द फेरी फेरी माने किनारे पर। कुल मिलाकर के ये माइटोकांड्रिया लाइसोसोम और वेसिकल्स को गॉल्जी कॉम्प्लेक्स से लेकर के सेल के किनारे किनारे पर ले जाने में यानी उनके ट्रांसपोर्ट में मदद करते हैं। दीज मोटर प्रोटीन्स आर मोटर प्रोटीन जो होती हैं अटैच हो जाती हैं एंड मूव सेलॉन्ग द माइक्रोट्यूबुल। ये जो मोटर प्रोटीन होती है, मोटर माने मुख्य या प्रमुख जो प्रोटीन होती हैं, ये जाकर के माइक्रोट्यूबुल से अटैच हो जाती हैं और माइक्रोट्यूबुल्स को भी गमन करने में मदद करती हैं। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू वॉचिंग द वीडियो। सो टूडे इन दिस वीडियो लेक्चर वी हैव टू डिस्कस वेरी वेल अबाउट द साइटोस्केलेटन। व्हाट इज साइटोस्केलेटन? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ साइटोस्केलेटन अलॉन्ग विद द माइक्रोट्यूबुल्स इन डिटेल। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कमिंग एग्जामिनेशंस। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।